अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर करेंगे अब क्या करूं। पेज नंबर है 67। चलिए मेरे साथ रीडिंग करें इसकी। खास अल्फाज हैं घब रेलिफ रा घबरा जाना, डाल अलिफ डा नून टे डांट, अलिफ ज़े लम इल ज़ाल अलिफ ज़ा मीम इल्ज़ाम ख्याल, बावर्ची खाना। राशिद घर वालों से छुप कर शरबत पी रहा था, अचानक घर के बाहर से अम्मी की आवाज आई, राशिद दरवाजा खोलो। राशिद चौंक गया, इसके हाथ से शरबत का जग छूट कर गिरा और टूट गया। राशिद घबरा गया, उसने सोचा कि शीशे के टुकड़ों को छुपा देता हूँ, इस तरह अम्मी की डांट से बच जाऊंगा। फिर उसने सोचा कि शीशे के टुकड़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ, जब अम्मी पूछेंगी तो अपने छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगाकर डांट से बच जाऊंगा। आखिर में इसे ये ख्याल आया कि अम्मी को सब सच सच बता दे, लेकिन ऐसा करने से अम्मी इस पर गुस्सा होंगी। वो बावर्ची खाने से निकल कर सेहन में गया और अम्मी को सारी बात बता दी। अम्मी ने इसको प्यार करते हुए कहा, कोई बात नहीं, चीज़ें तो टूट जाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, मुझे तुम पर फ़ख्र है। चलिए स्टूडेंट, अब आप इस चैप्टर की रीडिंग करें, 2 टाइम रीडिंग करें, फिर मैं आपको इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।